खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात हरियाणा की। हरियाणा की राजनीति से आज दिन में बड़ी खबर आई। बड़ी खबर क्या आई कि तीन बार सांसद रहे अरविंद शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल जैन जी से आग्रह करता हूं कि श्री शर्मा जी को बुके देकर स्वागत करें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को बीजेपी में शामिल करवाया। अरविंद शर्मा हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, लेकिन चुनाव से एन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामकर प्रदेश की राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। देखिए, एक सेकंड में ले लेते। नहीं, ऐसा है, मेरी कहीं से ऐसा है, मैं जब वो कहते हैं कि मैं जब पार्टी का सदस्य बन गया हूँ और पार्टी की सेवा के लिए हूँ, जो पार्टी आदेश करेगी, मेरी कोई ऐसी वो नहीं है, मेरी कोई ऐसी ना मांग है, जो पार्टी आदेश करेगी मैं उस तरह से पार्टी का साथ दूंगा। शर्मा जी भले ही सीट को लेकर पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन एबीपी न्यूज को पुख्ता सूत्रों से मालूम चला है कि बीजेपी हरियाणा की सोनीपत सीट से इन्हें उतार सकती है। सोनीपत से अरविंद शर्मा 1996 में निर्दलीय जीत चुके हैं। सोनीपत से अभी रमेश कौशिक बीजेपी के सांसद हैं। पार्टी कौशिक की जगह ब्राह्मण जाति के अरविंद शर्मा पर दाव लगाएगी। सोनीपत सीट पर ब्राह्मण करीब 1.5 लाख हैं। वैसे अरविंद शर्मा दो बार करनाल से कांग्रेस के सांसद रहे। 2014 में बीजेपी के हाथों हार मिली थी। इस बार चर्चा ये है कि बीजेपी करनाल से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को उतार सकती है। शायद इसी वजह से अरविंद शर्मा को करनाल की जगह सोनीपत भेजा जाएगा।